इस वक्त दोपहर के 1:40 हो रहे हैं और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं शहर के बीवादी चौक यानी कि जलपाई मोड़ पर। और जिस तरीके से लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है तो यहाँ की स्थिति फिलहाल सामान्य दिख रही है। आप देख ही सकते हैं कि जो यान वाहन है, जो दो पहिए चार पहिए की जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत कम निकली हुई है, जा रही है, और लॉकडाउन कुछ हद तक पालन होते हुए यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें पुलिस जो है अपने हरकत में भी है, और जिस तरीके से कल शहर के अन्य जगहों पर पब्लिक भी आप देख सकते हैं कि जागरूक है, समझ रही है, इसलिए उतनी भीड़ जो है कल जिस तरीके से थी बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन अभी उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही। लेकिन साथ ही साथ एक बात हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कल चंपा साड़ी मोड़ और अन्य जगहों पर टोटो को पकड़ा गया था, सीज किया गया था, सेवक मोड़ पर भी ठीक उसी तरह, लेकिन अभी जलपाई मोड़ पर भी कुछ टोटो को सीज किया गया, पकड़ा गया, तो यहाँ की सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी पुलिस जो है वो कर रही है। आप देख ही सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो भी टोटो है उनको भी रस्सियों से बांध के रखा गया है। कल जिस तरीके से ठीक पकड़ा गया था टोटो को शहर के सेवक मोड़ पर और चंपा साड़ी मोड़ पर, ठीक वैसी ही कुछ स्थिति अभी भी देखी जा रही है जलपाई मोड़ बीबादी चौक से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रस्सियों के द्वारा इन सभी टोटो को, 7 टोटो 8 टोटो को फिलहाल यहाँ पर जब्त किया गया है, इनको रस्सियों से बांध दिया गया है और पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। बेवजह जब लोगों को कहा जा रहा है कि जब नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, और इस तरीके से जब लोग उल्लंघन करते हैं तो वहाँ से ये स्थिति दिखाता है। अच्छा, आपकी भी टोटो पकड़ी गई है? मैं तो नहीं जाने वाला था, लेकिन एक ऑफिस का आदमी था म्यूनसिपैलिटी, उसके गला में लॉकेट था, बोला हम ऑफिस जा रहे हैं, उसे उतर दे, तुम उतर, हट, पैदल जा, गाड़ी आगे लगा दिया। हम नहीं आता था, उसका अप डाउन भाड़ा था ऑफिस का, उसे अभी पुलिस क्या बोल रही है? बोल रहा है नहीं होगा, तो ऑफिस जा रहे, पैदल जा, उसको बोला ऑफिस जाना, तुम पैदल जा। अच्छा, अभी आपकी टोटो को क्या करेगी पुलिस? अब क्या करेगी हमको मालूम, हमको फास्ट पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा हमको। तो देख रहे हैं कि इनको पकड़ा गया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान अली। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इनको जो है टोटो इनकी पकड़ी गई थी, बता रहे हैं आपकी भी टोटो को पकड़ा गया है? टोटो पकड़ने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा पेपर्स लिए है, तो उनके लिए हमारा कोई फाइन, कोई केस होगा हमारे लिए। टोटो छोड़ देगा? टोटो अभी हम ले लिए, हाँ, लेकिन हमारा यहाँ मोड़ में हम इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि कल हमारा ये 6 महीना बाद इलेक्ट्रिक बिल आया है 17,310 रुपया, जो इलेक्ट्रिक बिल गाड़ी चार्ज होता है, तो अभी हमारा बिल देने का जरूरत है। इतना पैसा तो नहीं था, तो एक बार में 15,000 देने का कल हमारा डेट था। फाइन तो नहीं किया, कोई पैसा वैसा का हिसाब नहीं हुआ। केस चलेगा यानी? हाँ हाँ। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम कार्तिक सरकार। अच्छा, तो देख रहे हैं कल इनकी टोटो को पकड़ा गया था, सीज किया गया था, बता रहे इलेक्ट्रिक की बिल देने जा रहे थे और उसके बाद पकड़ा गया, और फिर उनकी टोटो, हालांकि इन्होंने बोल रहे कि अभी छुड़ा लिए हैं और जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पॉइंट के अंदर पुलिसकर्मी इनके अपने अपने कागजों को, अच्छा अभी आपकी टोटो को पकड़ा, ये गाड़ी को पकड़ा गया? मेरी गाड़ी को पकड़ा गया, बाइक को। हाँ। कहाँ जा रहे थे? दवा लाने के लिए जा रहे थे, सिलीप मेडिकल से। आप रहते कहाँ हैं? यही संतोषी नगर में। तो यहाँ से मेडिकल जा रहे थे दवाई? वो एक्चुअली एक दवा लेने के लिए गए थे यहाँ आरोग्य निकेतन, वहाँ नहीं मिला, तो ये मेडिकल से ही मिलेगा, तो मैं वहाँ जा रहा था। अभी पुलिस क्या बोल रही है? और एक्चुअली मैं हेलमेट नहीं लगाया था, तो इसलिए बोल रहे हैं कि हेलमेट आपका ये सीजर लिस्ट कटेगा। हाँ, गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हेलमेट छूट गया था, तो भाई छोटा भाई लेके चला गया, इसलिए मैं इनके साथ ही मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि बिना हेलमेट वालों को भी पुलिस जो है वो नहीं बख्श रही है, और ऐसी स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बीवादी चौक यानी कि जलपाई मोड़ से ये स्थिति फिलहाल यहाँ की क्या है। टोटो में देख सकते हैं कि 6-6 लोग, 7-7 लोग जा रहे हैं, और पुलिस इनको देख करके जाने के लिए छोड़ दी और इसको नहीं पकड़ी पुलिस, हालांकि एक्शन होना चाहिए था। सर, आप लोग किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं? लॉकडाउन है, लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन के लिए, और जो इस तरीके से टोटो में जा रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे? तो वही नहीं, डेड बॉडी पूरा के आया, डेड
इसलिए नहीं पकड़े? हाँ नहीं है, इसलिए नहीं पकड़ेंगे? नहीं नहीं, नहीं ये डिप्टी पुराय का है, इसीलिए नहीं पकड़ा था। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की टहलदारी है, चेकिंग नहीं कह सकते हैं, चेकिंग नहीं है। हालांकि पुलिस के कांस्टेबल जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर टोटो को भी पकड़ा जा रहा है। साथ ही साथ पब्लिक को इस बात की जागरूकता होनी होगी ज़रूर कि हेलमेट आप जब भी बाहर पहने, हेलमेट पहन के निकले, मास्क पहन के निकले, और 20 मिनट के बाद जैसे कि कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद अपने हाथों को झाग वाली साबुन से या फिर हैंड वॉश से धोइए। अभी ये भी आप देख रहे हैं कि जो लोगों को टोटो को पकड़ा जा रहा है और साथ ही साथ जो बाइक चालकों को भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी क्या कुछ केस दिया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। उनके बाद उनको छोड़ भी दिया जा रहा है, कुछ ऐसी स्थिति, लेकिन ऊपर केस जो है वो चलेगा, उनको ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है। ये भी पूछेंगे सर क्या कुछ केस दे रहे हैं जिनको आप पकड़ रहे हैं? अच्छा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर ही केस हो रही है और इस तरीके से ये बता रहे। फिलहाल यहाँ की मौजूदा स्थिति हमने आपको दिखाई, शहर के अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जलपाई मोड़ से नेहा गुप्ता, एसके लाइव।